So hey everyone, this is Siddhant here and you guys are watching Ninja Blade YouTube channel. So guys, finally the patch, new patch is here 2.6 and आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी पैच के बारे में एंड पूरा वीडियो को जरूर देखना एंड मैं आप लोग को पूरा डिटेल्स दूंगा कि इस पैच में क्या क्या नया है और क्या इंडिया के बारे में इन लोगों ने नहीं अनाउंस किया तो क्या होगा आगे. सो वीडियो को पूरा जरूर देखना एंड अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो गाइस चैनल सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक भी कर देना इस वीडियो को अगर पसंद आए तो एंड शेयर वगैरह भी कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ. सो चलो यार इस टॉपिक को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं. सो गाइस सबसे पहले तो यार यहाँ पे हम लोग को नया मुंडो देखने मिलेगा जो कि रिवैम एक तरह से या फिर रिवर्क जो भी बोलना है बोल सकते हो. और ये वाले पैच में जो है दो नए चैंप्स भी आ रहे हैं जो कि है केल एंड मोर्गाना, जो कि भाई सही चैंप लग रहे हैं मेरे को. एक मिड लेनर है एंड एक बैरन लेनर. सो आई थिंक दोनों चैंप्स सही होंगे और ये भी जो है दिसंबर में ही आएंगे दोनों चैंप्स. अभी नहीं आएंगे मतलब एक दिन बाकी है दिसंबर में, पता नहीं कब, क्योंकि यहाँ पे डेट वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है. सो लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं. और उसके बाद आता है डॉक्टर मुंडो का रिवर्क जो कि बहुत ही कूल दिख रहा है पहले वाले मुंडो से एंड पावरफुल भी है पहले वाले मुंडो से ज़्यादा. तो भाई आई थिंक देखते हैं क्या मुंडो मेटा में रहेगा कि नहीं अभी इस बार. और यहाँ पे कुछ न्यू आइटम्स आए हैं जैसे कि सील आइटम, सपोर्ट आइटम एंड देखते हैं ये सब क्या होता है. लाइक मैंने जो है वो देखा था, मतलब इन लोग का जो रिव्यू था उसमें, और बहुत सारे शायद से 4 या फिर 5 न्यू आइटम्स जो हैं इस बार आएंगे. उसके बाद चैम्प सेलेक्ट में 5 लोग बैन कर सकते हैं, मतलब पर टीम 5 लोग, 5 के 5 बैन कर सकते हैं. मतलब ये मेरे को थोड़ा गलत लग रहा है 5 बैन यार, कुछ मतलब टोटल मिला के 10 चैम्प बैन होंगे तो ये थोड़ा सा मतलब ऐसा हो जाएगा कि भाई जितने भी ओपी वाले चैम्प होंगे सबके सब बैन हो जाएंगे एक साथ, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा यार. मतलब जो तुम्हारा फेवरेट चैम्प है हो सकता है वो भी बैन हो हर बार. तो आगे बढ़ते और आगे यहाँ पे अभी जो है सीजन जो रैंक रिवॉर्ड होंगे और हम लोग को ज़्यादा मिलेंगे जो कि काफ़ी सही है. और इस बार हम लोग को जो है ओरियाना का जो है स्किन मिलेगा जो कि फाइनली एक मेरे को आई थिंक अच्छा स्किन लग रहा है जो कि मिड लेनर्स के लिए काफ़ी सही है. क्योंकि भाई मतलब ये लोग ऐसा ऐसा स्किन दे रहे थे यार ऐसे चैम्प्स का जो कि हम खेलते भी नहीं है. ट्राइंडमेयर कौन खेलता है भाई बताओ यार, इतना बफ किया फिर भी ट्राइंडमेयर उतना नहीं चल रहा है. उसके बाद लुल्लू का दिया तो लुल्लू थोड़ा प्लेयर्स खेलते हैं, तो लुल्लू का तो चलो ठीक था बट ओरियाना ज़्यादा बेटर है और ओरियाना भी काफ़ी सही चैम्प है. और इसके बाद आ जाता है वीकेंड रिवॉर्ड सीरीज़. तो यहाँ पे नया इन लोगों ने जो है इवेंट शुरू किया है जिसमें हम लोग को हर वीकेंड में जो है वो मिलेंगे, मतलब पॉइंट्स कलेक्ट करके कुछ रिवॉर्ड वगैरह मिलेगा तो ऐसा ही है. उसके बाद आ जाता है भाई रैंक रिवॉर्ड. तो रैंक रिवॉर्ड के बारे में तो मैंने बताया ही, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे जो कि पिछले वाले जो हम लोग ने स्किन मिस कर दिए वो सब हम लोग खरीद सकते हैं, ठीक है. जैसे कि ट्राइनमेयर हो गया, जिंक्स का भी हो गया, तो जिंक्स का अगले सीजन में आएगा, मतलब वहाँ पर जैसे कि आप पॉइंट कलेक्ट करने हैं और वहाँ से आप स्किन खरीद सकते हो. तो उसके बाद बढ़ते हैं भाई, ये तो हमें पता ही है ओरियाना का स्किन मिलेगा जो कि काफ़ी कूल दिखता है. उसके बाद भाई यहाँ पे इन लोगों ने वो मतलब जो प्लेयर्स आते हैं ट्रूल वगैरह उन लोग पे भी कुछ इन लोगों ने एक्शन लिया है, तो देखते हैं उसके बाद क्या होता है. मतलब मुझे तो नहीं लगता कि कुछ फिक्स होगा क्योंकि पहले भी इन लोगों ने बोला था तो भाई कुछ हुआ नहीं. सो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो When your friend install Wilder for first time, they will have something to get excited about with new expand mission. तो भाई वही है, मतलब जो हम लोग को इवेंट्स मिलते थे वो इवेंट्स इनको भी मिलेंगे जहाँ पे चैम्पियन वगैरह कुछ ऐसे ही दिखा रहे थे पिक होगा, ठीक है, मतलब मिलेगा. उसके बाद स्किन काफ़ी सही सही इस बार आ रहा है जो कि एक नया स्किन का वो सीरीज आने वाला है जो कि जिसमें लक्स का स्किन होगा, एजिजियल का लेजेंडरी स्किन होगा एंड और भी बहुत सारे जारवान था और भी चैंपियंस थे. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2 लेजेंडरी स्किन है लक्स और एजिजियल का. उसके बाद सोना और जारवान का मतलब नॉर्मल स्किन है और यहाँ पर फाइनली वेन का लेजेंडरी स्किन जो कि काफ़ी मतलब मज़ा आएगा भाई. वेन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा सही है आजकल और लेट्स सी क्या होता है. उसके बाद अकाली का भी स्किन बहुत ही तगड़ा है मैं देखा, फियोरा का भी स्किन सही है, जिन का तो भाई मतलब औसम ही दिख रहा था और कैटरीना का भी यहाँ पे मतलब प्रोजेक्ट वाले जो पहले आए थे यासू जेड का उसी का सीरीज है ये. तो यहाँ पे 5 स्किन आ रहे हैं नए वाले तो और मजा आएगा.
और यहाँ पे और भी जो है अदर स्किन जो कि नॉर्मल वाले यहाँ पे आएंगे 6-7, जो कि काजिक, श्रेंगार, लुलू, डेरियस एंड केल, मोरगाना, ये सब का रहेगा। और मुंडो और डेरियस का लेजेंडरी स्किन भी आ रहा है, क्या बात है। और यहाँ पे इवेंट्स में आप लोग देख सकते हो कि नया इवेंट जो है एक आने वाला है बिंगो वाला, जहाँ पे अगर आप लोग रिवॉर्ड देखोगे तो एक तो हम लोग को कुछ स्पेशल यहाँ पे जो है कैनन वाला मैंने वीडियो में देखा था वो हम लोग को मिलेगा, जिससे हम लोग कैनन पे फ्लाई कर रहे थे, ऐसे ही कुछ इवेंट है। और आई थिंक ये आइकन है, प्रोफाइल आइकन, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को एक और बबल मिलेगा, उसके बाद ये शायद से इमोट है थर्ड नंबर पे, और उसके बाद हम लोग को 200 ब्लू मर्ड्स मिलेंगे। तो भाई ये तो देखते हैं क्या होता है, मतलब कुछ खास मेरे को नहीं लग रहा कि इसमें अच्छी चीज़ें हम लोग को मिलेंगी, बट फिर भी सही है। सो गाइस, यही था हमारा आज का पैच। और इसमें जो है कुछ चैम्पियन बैलेंस वगैरह का नहीं दिया है, वो जो है आगे अपडेट आएगा। अभी इसमें सिर्फ इन लोगों ने बताया है कि क्या क्या नया होगा, क्या इवेंट्स रहेंगे, तो ये बताया गया है इसमें, ठीक है। और जो चैम्पियन चेंजेस होंगे, बैलेंस वगैरह, वो भी आएंगे, हम लोग को पता चलेगा आगे। और इंडिया के बारे में भी भाई, इस पैच में मैं सोच रहा था, मेरे को लगा था कि इंडिया के बारे में अनाउंस होगा, बट टू बी सैडली कोई इंडिया के बारे में अनाउंसमेंट नहीं था इस पैच में गाइस। सो आई डोंट थिंक सो कि अभी इंडिया के बारे में लोग अनाउंस कुछ भी करेंगे, इस ईयर तो नहीं यार, और नेक्स्ट ईयर भी मेरे को बहुत ही कम चांस लग रहा है। और इंडिया में हाइप भी डेड हो चुका है वाइल्ड ड्रिफ्ट का, बहुत ही कम लोग अभी मतलब खेल तो रहे, बहुत ही कम लोग, क्योंकि मेरे भी फ्रेंड में पहले कम से कम 60-70 बंदे एक्टिव रहते थे हर टाइम पे, एंड मेरे 300 शायद से लगभग फ्रेंड्स थे, और उनमें से अभी ज़्यादातर मतलब 20 बंदे ही सिर्फ खेलते हैं अभी गेम, ज़्यादातर ऑनलाइन रहते हैं 20 या फिर 25, उसमें से आधे तो लाइक फॉरेनर्स लोग हैं या फिर चाइनीज़ लोग हैं, ऐसे बोल सकते हो। तो वही है भाई, मतलब बहुत ही अभी इंडिया में हाइप इसका डेड हो रहा है, सारे ऑक्स भी उतने ज़्यादा इवेंट वगैरह अब नहीं कर रहे हैं, तो वही है भाई, देखते हैं इंडिया में अभी क्या होगा इसका सीन, क्योंकि इंडिया के बारे में लोगों ने कुछ कुछ नहीं दिया है भाई, लिटरली कुछ नहीं। सो और मैं भी आजकल YouTube पे वीडियो नहीं डाल रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि कुछ अभी मेरे को इसमें इंटरेस्टिंग दिख भी नहीं रहा है। सो डोंट वरी गाइस, इन फ्यूचर देखते हैं क्या होता है। सो इस वीडियो में इतना ही था, एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। सो चैनल पे न्यू हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मार लेना, एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।